हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए। तो यहाँ पर मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से गई थी बाहर, तो 2 से 3 घंटे बाद अब मैं लौट रही हूँ। अंधेरा भी हो गया है और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। आप देख रहे हैं पूरा नोएडा एकदम जगमग जगमग सज गया है, तो सोचा आपके साथ भी क्यों ना शेयर करूँ। वैसे मैं इतना लंबा रास्ते का व्लॉग नहीं बनाती, बट पूरा रास्ता एकदम कहीं ग्रीन लाइट, कहीं पिंक लाइट, कहीं ब्लू लाइट, मतलब लाइट ही लाइट्स ही लाइट्स, मतलब चारों तरफ लगी हुई थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। हल्का सा कोहरा कोहरा सा, इतना सुहावना सा मौसम, और बाइक पे हालत तो ख़राब हो गई, बट व्यू बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर पे बना के रखा था मम्मी ने मक्की की रोटी, सरसों का साग, और मेरे लिए अलग से आलू गोभी बनाई थी, क्योंकि मैं साग वाग खाती नहीं हूँ इस वजह से। और मेरा फेवरेट मूली का अचार, पर यहाँ पर आप मेरा फेस देख रहे हैं, थोड़ा सा वो है, अभी बताऊँगी क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा मूड अपसेट था मेरा यहाँ पर। और आजकल वैसे भी आपको पता चल ही गया होगा मेरी बातों से, लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, और उन्हीं सब में बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी चल रही हूँ आजकल। बट फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो अभी तो कुछ नहीं, बस आए थे बाहर से, ठंड आ गए बहुत ज़्यादा, चाय पी, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्लोअर से सिकाई की, फिर उसके बाद खाना खाने बैठ गए थे, फिर खा करके सो गए थे। सर बहुत दुख रहा था, इतनी तेज तीखी हवा लग रही थी, कैब भी खरीदनी पड़ गई मुझे रास्ते में, सर में इतनी हवा लग रही थी। ब्लॉग बना रही हूँ, थोड़ा सा बंद कर रही हूँ, नहीं गेट बंद कर रही हूँ। भजन सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। अब सोचा है गुड मॉर्निंग की जगह मैं राधे राधे बोलूं, मतलब गुड मॉर्निंग भी बोलूं, पर पहले राधे राधे बोलूं। तो ये आदत मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो है आदत, बट होता है ना कि कुछ तो टाइम लगता है। फिर चलिए सब लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए। आई नो कि इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। रात में जैसे कि दिखाया था, खा पी करके मम्मी के यहीं सो गई थी। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही थी क्योंकि मैं ठंडा गई थी बहुत ज़्यादा। यहाँ से दिल्ली गई बाइक पे, तो आप सोच सकते हो हालत ख़राब है। और उधर से ना लौटते वक्त मैंने कैब भी खरीदी थी अपने लिए, जैकेट वाली जो कैब थी ना, वो बिल्कुल भी पता भी नहीं चल रही थी कि पहने भी हूँ कि नहीं पहने, तो फिर उसको डबल कर लिया। चलिए ये पहुंच गए गुड़गांव वाले टोल पे। रो से काहे रहे तुम, भजन सुन के रोना आ गया? नहीं सुन रहे, आपके गाइस रोने लगे भजन सुन के, इमोशनल हो गए, रोने नहीं लगे। अरे तो कोई शर्म वाली बात थोड़ी ना है, आदमी हो कोई पत्थर थोड़ी हो जो रोना वर्जित था तुम्हारे लिए। इट्स ओके, होता है, दिल है मेरे मोटे में, पत्थर नहीं है। क्या इतना अच्छा चल रहा था यार, तुम भी सुनो, बहुत अच्छा लगे। तुमने सुन नहीं पाया शुरुआत? नहीं हाँ, 20 से चला क्या? नहीं चला यार, अच्छा लगे। कितने लग रहे आज, आप भी कर लो मेरे मंदिर के दर्शन। तो मैंने पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ फिर से चाय पीने। और इधर मेरे कपड़े भी धुल गए हैं, इधर ये धुल गए हैं और इधर जो है इसमें भी धुल गए हैं सारे कपड़े। तो अभी मैं इसको खोल देती हूँ मशीन को, बाद में निकालूंगी, पहले मैं चाय पीती हूँ। नहीं, पहले मैं मोजे पहन लूँ, अपने मोजे सॉक्स। ये रही मेरी न्यू वाली कैप, कितनी अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी प्रिंट, इस वजह से मैंने ले ली। और सॉफ्ट भी है, देखने से लग रहा सॉफ्ट नहीं है बट सॉफ्ट है ये। ये चले गए हैं काम पर, ये वाले मोजे थोड़े से पतले हैं, मम्मी भी वाले पहने थी वो ज्यादा मोटे थे, पर चलो ठीक है, काम चल जाता है ऐसे भी सर्दियों में। और आज ये नाश्ते में लाए थे मेरी फेवरेट पूड़ी सब्जी, जिसके साथ मिलती है
कद्दू की भी सब्जी, तो ये खा करके चले गए हैं और मुझे खानी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं वो कर लूँ, चाय पी लेती हूँ, मेरा फिर से नहा करके मन कर जाता है। एज सच मैं कुछ एडिक्टेड नहीं हूँ, जैसे होता है ना बहुत बुरी तरह लोग पागल होते हैं चाय कॉफ़ी के पीछे। मैंने कॉफ़ी के लिए भी हमेशा यही बोला कि मैं सर्दियों में पीती हूँ सिर्फ एक दो टाइम, और चाय की तो कोई बात ही नहीं है। लो जी चाय बनानी चली तो देखा दूध ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा दूध है। अब मैं चलो रख देती हूँ, बाद में बनाऊँगी चाय। तो ये रहा मेरा खाना, ये आलू मटर की सब्जी, ये कद्दू की सब्जी और ये पूड़ियाँ। थोड़ी सी ठंडी हो गई पूड़ियाँ, आई नो, बट काम चला लूँगी क्योंकि सब्जी मैंने गर्म कर लिया। ये ना बहुत फेवरेट है मेरी, बट काफ़ी महीनों बाद खा रही हूँ आज, बहुत दिन हो गए खाए खाए। फिर लेके आओ, फिर करो खाना। हाँ लिप बाम भी डाल ले, हम लोग बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं मम्मी के यहाँ निकलने की, क्योंकि आज है साल का आखिरी दिन तो नहीं, दिन तो बीत गया, रात बची है केवल, साल की आखिरी शाम बची है बस। चलिए चलते हैं मम्मी के यहाँ पर और आज का दिन बहुत हंसी खुशी से सेलिब्रेट करेंगे। और मम्मी से मेरा थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया है तो मुझे अब बहुत दुख हो रहा है, तब मुझे मम्मी को मनाना भी है। मैं बहुत वो हूँ ना लड़ाकू, ये तो गाना गाते हैं लड़ाकू विमान है, ये गाना अक्सर, ये वाला देना मुझे रबर बैंड देना, मैं अपनी दवाई क्या करूँ, पी लूँ अभी, पी लूँ भूल जाऊंगी फिर से यार, कल पीनी पता नहीं यार, कल पीनी थी, कोई बात नहीं, एक ही दिन तो हुआ है, एक एक दिन करके हफ्ते में एक दिन बस वो पीनी है ना, तो वो वाली पीनी, हाँ वो डेली वाली, थोड़ी डेली वाली तो खा ली मैंने, मैं दवाई अक्सर भूल जाती, मेरी आदत है। तो चलिए चलते हैं और बस मम्मी को अच्छे से मनाएंगे और अपना नया साल खुशी खुशी सेलिब्रेट करेंगे। बाकी तो जो क्या बोलूँ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आ भी गया कॉल। हाँ कैसी लग रही है कार? क्या अच्छी लग रही, रंग बिरंगी है। नहीं बाइक पर ठंड तो आई, अभी हमने खुद ही अपने इसीलिए हमने भी लगा ली, बहुत ठंड है। अभी ऐसे करें, दो मिनट में तो पहुंच जाएंगे, दो मिनट नहीं पहुंचेंगे, अभी मार्केट चलना है ना पहले। अरे यार अच्छा, सबने अलग अलग थीम कर रखी है, किसी ने रेड किसी ने पिंक, उसी में खा लेंगे, एक हम कहाँ पकड़ते थे। हाँ जिसको ये समझ में आएगा वो यही केक खाएगा नेक्स्ट टाइम, यही निकाल चले गए, दवाई लेने गए थे। हमने अपना केक ले लिया था और जो सामान लेना था वो भी ले लिया है, अब जा रहे हैं घर वापस। मानी सही है बता तो दो सबको कि मैं मान गई। अच्छा बोल दो मैं मान गई, मानन के लिए काम ना माने ही नहीं कुछ। ये दृश्य पहली बार देखा है, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, हैप्पी न्यू ईयर। केक आ गया मम्मी का, केक आज से एक नई शुरुआत मेरे लिए। तो बस जय ना बोलो और सब सही है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तुम्हारा तो बेस्ट हो। हम क्या कह रहे हैं, कोई प्रतिज्ञा ना दे रहे हो मैं तो लड़ाकू विमान हूँ। तो गाइस हम आ गए हैं, नीचे गाने बहुत तेज बजे, मन कर मम्मी हम क्या कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हमने नहीं, मुझे लगा न्यू ईयर की पार्टी, मैंने कहा चलो 12 बजे आएंगे यहाँ पार्टी चल रही न्यू ईयर की देख के आते, देखा वो किसी का पर्सनल फंक्शन था। कह रहे तुम मेरा गेट घटका घटका चले क्यों,
वो दूसरे पार्टी में ले जा रहे थे। अरे पता नहीं, हम तो तीन चार दिन सही देख रहे हैं, तुम्हें जो गलती ले जा रही थी ना, दो तीन दिन से चल रहा होगा। क्या खा रहे हैं? बोला वो खा रहे स्टूल कपड़ा भरे सब। तो चलिए अभी आ गए हैं यहाँ पे, बहुत गर्माहट है आप देख सकते हैं कि देख रहे कैसे देखेंगे व्लॉग में देखेंगे यूट्यूब पे देखेंगे और कैसे देखेंगे भैया ऐसे देखेंगे ऐसे मतलब ही नहीं है जो है। अपने बच्चे दिखा दो जरा, अपने बच्चे सबको दिखा दो, बच्चे दिखा दो, बच्चे 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 कल वाला बच्चा दिखाओ जिसका कपड़ा बनाया गया है, प्लीज दिखा दो। मैं गलती से हंस दी थी, अब नहीं हंसूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतनी कम ठंडक है, कैप हटा दी, जैकेट हटा दी, तब भी हल्की सी उमस सी लग रही है। अब तो ब्लोअर और चलने लगा है, बिना ब्लोअर के यहाँ पे बहुत गर्माहट रहती, तो मम्मी क्या इसी वजह से मैं पड़ी रहती हूँ। मैंने मम्मी क्या बोला था, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मैं माँ ही बात है मेरी बात है क्या मतलब क्या खिलाते हैं हम तो हमसे तो कही थी आज हमने तुम छोड़ो तुमने हूँ जी कही थी अभी हम जा रहे थे तुम छोड़ो कहा कही थी तुमने कोई मतलब ही नहीं है। अरे थोड़ा सा मैं उस टाइम फ्रस्ट्रेट थी ना और क्या ही बोलूं, तो चलाते ही नहीं है हीटर, वही नहीं रहता। हम अभी नहा के आए, हीटर नहीं ब्लोअर, क्यों अभी क्यों ना आया, मतलब नहीं रहा, काम करते रहे सारे दिन, सफाई कर रही, घर सजाया। अरे हाँ घर सजा, मैंने ध्यान ही दिया। अच्छा ये तितली उस पर कितनी अच्छी लग रही, देखो ऐसे लग रहा पेंटिंग के साथ आई। अरे वाह, मम्मी ने भी मेरे लिए सरप्राइज रखा गाइस, देखो आप लोग अब पार्टी होगी, अब पार्टी होगी और मम्मी डीजे बज ही रहा है। सर गीला था ना कल तो मंदिर जाएंगे ही जाएंगे, पर नीचे गाना बजे, मैंने कहा मेरा एक बार डिस्क जाने का बड़ा मन कर रहा है, जिंदगी एकदम बेकार हो गई है ऐसे लग रहा है।